बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने रिटर्न पेपर हैकर में। बस सूरजराज आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, मतलब बीएससी है आपका सेकंड सेमेस्टर है और आपका क्या होने वाला बेटा पेपर आने वाले हैं। देख लीजिए पेपर बहुत हाल ही में है और आपको करना है टॉप, मतलब कि 2022 के आपको टॉपर बनना है ना, 2022 के आपको टॉपर बनना है। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस वही पढ़िए, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि यही पेपर में आएगा, बाकी कुछ और नहीं आने वाला है, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, करो यार पहले। और हाँ सुनो, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सर मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ये नोट्स नहीं मिल रहा है, आप जाओ वेबसाइट पे जाओ, घर बैठे नोट्स को डाउनलोड करो यार, समझ रहे, सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी घर बैठे, ठीक है ना। तो बस आपको करना है ये, देखिए जो ये केमिस्ट्री का नोट्स है, केमिस्ट्री नोट करिए, केमिस्ट्री का ये नोट्स है और यहां बोला गया पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। आप बेस्ट पेपर वगैरह क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले आयो तो बढ़िया है, नहीं लाए तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, नहीं लेके आयो, और मैं आपको यहां क्वेश्चन बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग तरीके से नोट्स में दिया होता है। यदि आप हमारे नोट्स को पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप किसी और से नोट से पढ़ रहे हैं तो आप वहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे ही नोट से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो, जो सिंपल लगे वो पढ़ो, हमारे नोट्स बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से होते हैं, बस समझ लीजिए। ये है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स तीन भागों में डिवाइड होता है, वो तीनों भागों को याद कर लेना, जैसे मोनोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो यहां दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा है मोनोसैकेराइड, सी मोनोसैकेराइड जो आप देख रहे हैं इसके चक्रीय सूत्र का वलयन संरचना, ये आपको पॉलीसैकेराइड में आपको देखने को मिलेगा, मतलब पहले बार में कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वहीं आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, वहीं एक ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे, जिसे कहते हैं देखो फिनॉइल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया, ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं एक रूपांतरण आपसे पूछता है डी एनडी हेक्सा, देखो हेक्सो पाइरोइडिनोइंस की रूपांतरण के बारे में, जिसे हम कॉर्न फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉर्न फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे। ये है माल्टोज, माल्टोज क्या होता है आप इसको पढ़ के जाएंगे, माल्टोज के पढ़ने के बाद में आप देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको सिंपल सब बता रहा हूं अभी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अल्फा अमीनो अम्ल बनाने की विधि, अल्फा अमीनो अम्ल कैसे बनाते हैं उसकी आपको फॉर्मेशन बताना है, ठीक है, और यह है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के महत्व, अल्फा अमीनो अम्ल की बनाने की विधि, ये पूरा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पेंटाइड, पेंटाइड का क्लासिफिकेशन के बारे में और पहली पेंटाइड क्या होती है इसकी संरचना के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो यह है पेंटाइड क्या होता है और पॉलीपेंटाइडों के बारे में आपको बता देना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलो नीचे जाइए, एंजाइम, एंजाइम के प्रकार बहुत ज्यादा बनता है, एंजाइम की क्रिया विधि को पढ़ेंगे, एंजाइम के प्रकार जो होते हैं जैसे को एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है, ये एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, सह एंजाइम जिसे बोल सकते हैं, तो वो चीज आपको बहुत याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% पेपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में जो आपका पेपर होने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई सिर्फ ये पढ़ना है अब आपको, ठीक है, उसमें आपको बस ये जो क्वेश्चन है मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अब मान लीजिए धोखे में ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आप इसको बना बना के करके आएंगे, मतलब गलती से ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो इसको आप बना बना के करके आएंगे। और हाँ अभी मैं पेपर से होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको आपको रट के जाना है, मतलब छोड़ के नहीं जाना, वही क्वेश्चन आ जाएगा पक्का। अब इसको देखिए प्रोटीन के गुण और संरचना के बारे में याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डीएनए आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर आपसे पूछ लेता है, डीएनए आरएनए के प्रकार क्या होते हैं, देखो यहां वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर मैंने अभी आपको बताया था, भाई क्वेश्चन देखो भाई सब ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको सारे। उसके बाद में देखो यहाँ न्यूक्लिक अम्ल उनके संगठन कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे बोल सकते हैं यहाँ देखो। उसके बाद में है जेनेटिक कोड, ये तो आप सब जूलॉजी में आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक कोड, यह है कोडोन एंटीकोडोन में अंतर, देखो कोडोन और एंटीकोडोन में अंतर क्या होता है वो आप देखेंगे। यहाँ है ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या होता है वो आप देखेंगे। और इसके बाद में आता है तपेदिक रोधी, जो तपेदिक को हम टीबी बोल सकते हैं, तपेदिक को हम टीबी, जो जिसको टीबी हो जाती है खांसते खांसते फेफड़े काम नहीं करते हैं वो तपेदिक कहलाता है, ठीक है, उसको देखो। यहाँ दवा
यहाँ बोला गया दवा डिजाइन क्या होता है, ठीक है, दवा की डिजाइन वगैरह उसके बारे में एक्सप्लेन, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पीड़ा कह सकते हैं, पीड़ा हारी या फिर दर्दनाशक किसे कह सकते हैं, दर्दनाशक जो मेडिसिन होती है, जैसे कि आपका कह सकते हैं दर्दनाशक के लिए बहुत सारी, जैसे आप नोबेल ले सकते हैं, ठीक है, और नोबेल के साथ काफी असरदार नोबेल होती है। उसके बाद दर्द में आप न्यूमोसिलाइड ले सकते हैं, कुछ लोग दर्द हल्के दर्द के लिए पैरासीटामोल का यूज करते हैं, जो सिर दर्द वगैरह होता है तो उसको पैरासीटामोल से अच्छी तरीके से, मतलब हल्का दर्द के लिए न्यूमोसिलाइड मतलब इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, पेट दर्द है कुछ भी है, तो आप एविल ले लीजिए, एविलिन नोविल ले लीजिए, नोविल से खत्म हो जाएगा, ठीक है, नोविल, ठीक है। एविल इन्फेक्शन के लिए आती है, जो एविल होती है, एविल इस तरीके से होती है, एविल 25 में आता है, 50 में आता है, ये इन्फेक्शन है, यानी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, खुजली वगैरह अचानक जो चिद्दी वगैरह निकल आती है उसके लिए खत्म करता है, ठीक है, आप नोविल लीजिए दर्द के लिए, बहुत बेस्ट है। अब यहाँ देखिए, या फिर न्यूमोसिलाइड ले लीजिए, वो नहीं मिल रहा तो न्यूमोसिलाइड ले लीजिए, खत्म हो जाएगा दर्द जो हल्का हल्का दर्द है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये है अल्फा एसिड एसिटोमाइड, अल्फा एसिटोमाइड को देख लेना, ठीक है, तपेदिक हो गया, टीबी वगैरह, अल्फा देखो अल्फा एसिटोमाइड को देख लेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये है आपका आकेस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आकेस्टलीय ठोस के बारे में, और केस्टलीय, केस्टलीय और आकेस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, दोनों को एक्सप्लेन करके जाना है बहुत अच्छी तरीके से। आप इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, पढ़ने का मतलब है आप इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, समझ लेना, अभी इतना टाइम है समझने का। उसके बाद में जैसे ही आपका पेपर होगा, उससे दो दिन पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में छपते होंगे, समझ रहे हैं, छपने का मतलब है सब छपते होंगे भाई क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है, पहले आपको वो पढ़ना है जो आपको देख सब बता रहा हूं। इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे तो जब भी गलती से भी कोई एग्जामर आपको दे देता है ना, तो आप उसको बना बना के क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़े हुए उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आप देखिए, ये है अंतराफलन कोण और उनके नियम के बारे में, अंतराफलक जो कोण होता है, अंतराफलक जो कोण होता है और उसके नियम जो होते हैं वो आप देख ले हैं। ये है कह सकते हैं समिति क्या होते हैं उसके नियम के बारे में। यह त्रिविम जालक क्या होता है, जालक बहुत ज्यादा पूछता है। मिलर घातांक क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। और परिमेयता घातांक के बारे में, इनके नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। ये जो ब्रैग समीकरण देख रहे हैं, ये वाली ब्रेक समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना और पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना दोनों को पढ़ लेना है। इसको पॉली देखो, यहाँ पॉलीमर की, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर का परिचय देना है, ठीक है। बहुलक की परिभाषा, बहुलक का क्लासिफिकेशन, बहुलक के प्रकार, मोड मोड मैले इसको देखना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे आपको जाना है, और यह औद्योगिक निर्माण क्या होता है, औद्योगिक निर्माण को फॉस्फेजीन बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये है आपका देखो बहुलीकरण क्या होता है, एक होता है बिनाइल बहुलीकरण, उसको आप देखेंगे, एक था मुक्तमूलक, मुक्तमूलक का जो बेनेज सॉरी बेनल बहुलीकरण होता है उसके बारे में आप देखेंगे। तो बेनल बहुलीकरण मुक्त मूलक का, इसको आप बस इतना ही पढ़ लेना है, यही है आपके केमिस्ट्री में 2022 में आने वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वही पढ़ना है। बाकी इसके देखिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए उतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको यहां एक और क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जिसे कह सकते हैं रंजक, ये डेज इस तरीके से आपसे पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से होता है डेज लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रंजक बहुत ज्यादा, जिसे कलर कहते हैं, जो हमारी देखो सेट पे जो कलर है ना वो रंजक द्वारा चढ़ा होता है, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। रंग और रंग की संरचना का सिद्धांत ये पढ़ेंगे, और रंजकों का क्लासिफिकेशन देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको। और ये है आपका मेंथीज रंजक क्या होता है, और ये है आपका थैलीन रंजक, इनको पढ़ लेना है, इनको एक बार पढ़ लेना, जब रंजक पढ़ोगे क्लासिफिकेशन पढ़ोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी मैं पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जो आपके 4 से 5 6 या 6 7 होंगे, बस ज्यादा में ज्यादा 7 क्वेश्चन दूंगा, बस वही पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका। लेकिन फिलहाल अभी इन क्वेश्चनों को देख लो, एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, पढ़ लोगे तो बना बना के कराओगे, क्योंकि आपको एक बार जब पढ़ा हुआ होगा तो उसका 50% आपको याद हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं समझ के पढ़ते हैं तो 50% याद हो जाएगा, और आप 50% से 80% 90% बना के आ जाओगे, 10% गलत करके आओगे तो भी चल जाएगा, और आपको नंबर वहां मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।